नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज 24 न्यूज और हम अभी खड़े हैं पूर्णिया के अर्जुन भवन में। और ये अर्जुन भवन पूर्णिया के लोकसभा के निर्दलीय प्रत्याशी पप्पू यादव जी का कार्यालय है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि चुनावी समर है और बहुत ही कम समय रह गया है पूर्णिया में मतदान होने को। 26 अप्रैल को मतदान है द्वितीय चरण में। और आइए हम जानते हैं कि यहाँ पर जो कार्यकर्ता मौजूद हैं उनकी किस तरह की तैयारियां हैं। हालांकि पप्पू यादव जो प्रत्याशी हैं, एक एक मिनट अभी हर प्रत्याशी का कीमती है। वो अपने क्षेत्र में जो है लोगों से मिलने के लिए निकल चुके हैं, लेकिन अभी भी यहाँ पर काफी कार्यकर्ताओं का जमावड़ा है। और आप जैसा कि ये सैंबल देख रहे हैं, ये पप्पू यादव जी के बहुत ही पुराने समर्थक हैं, कार्यकर्ता हैं। कई सालों से इन्हें देखा जा रहा है कि जब पप्पू यादव भले ही किसी दल में रहे, कोई भी उनका चुनाव चिन्ह रहे, लेकिन ये व्यक्ति हमेशा उनके साथ खड़े रहे हैं। और उसी समय से जो है 1990 से, जैसा कि बता रहे हैं, कब से आप पप्पू यादव जी को समर्थन दे रहे हैं? 40 वर्ष से है। 40 साल से दे रहे हैं जी। मतलब कैसा लगता है, उनके बारे में कुछ बतलाइए। पप्पू यादव जो है कि आगे बढ़े। हाँ बोलिए। चुनाव तिल उनकी क्या खासियत है, उनकी क्या खासियत है जिसके कारण आप इतने 40 साल से उनके लिए खड़े हैं? पप्पू यादव जो की मदद करता है सर, ये थे ब्याह शादी में जो होता है उसमें मदद करता है, बीमारी में मदद करता है, जो आगिन तागिन लगता है उसमें जाता है पप्पू जी। मोदी ने जाता है, नीतीश कुमार पहुंचता है वहाँ, पप्पू जी पहुंच जाता है वहाँ। पप्पू यादव जनता के नेता हैं और हर स्थिति परिस्थिति में लोगों तक उनकी पहुंच होती है, ये इनका कहना है। 40 वर्षों से जो है ये पप्पू यादव का इस तरह से समर्थन कर रहे हैं और इस बार भी कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? मैं नईम आजाद वारसी, 1992 से मैं साथ में हूँ। 32 वर्ष में मैं क्या क्या देखा है इनका खूबी। सबसे बड़ा खूबी तो ये है कि इनके पॉकेट में सुबह में 5 लाख रुपया दे दिया जाए तो रात में इनके पॉकेट से 5 रुपया नहीं मिलेगा। कहाँ जाएगा वो पैसा? सब गरीब में, जहाँ जो मिला बढ़ते गया, जहाँ जो मिला बढ़ते गया, अस्पताल में, गरीब में, लंगड़ा में, लूल्हा में, कोड़िया में बांटते गए। 5 लाख सुबह में पॉकेट में दीजिए, 5 रुपया रात में नहीं मिलेगा पॉकेट से। अब समझ लिए कि दानी का क्या हाल है। और 92 से हम साथ में हैं, ये तो देखा दुश्मन लोग देखा कि तो ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। अब ड्राइविंग सीट पर बैठ गया तो कहीं और लाइन पकड़ लेगा नहीं ये, इसीलिए काट छाट करते हुए यहाँ तक मामला आया, इसीलिए एक शेर पढ़ दे रहे हैं। चलिए ठीक है, आप पढ़ रहे हैं, शेर पढ़ेंगे। हाँ, नूर है क्षमा इलाही को बुझा सकता है कौन, नूर है क्षमा इलाही को बुझा सकता है कौन, जिसका हामी हो खुदा उसको मिटा सकता है कौन, जिसका हामी हो खुदा उसको मिटा सकता है कौन। और फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। चलिए, ये समर्थक है पप्पू यादव के और अपने अपने तरीके से जो है पप्पू यादव को सेलिब्रेट कर रहे हैं और चुनाव के लिए शुभकामना दे रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे, क्यों सपोर्ट है पप्पू यादव को इस तरह से जनता का? सपोर्ट बढ़िया है, पब्लिक का सेवा करता है, वो हर वक्त शांत रहता है, कोई बात होता है तो बुलाते हैं तो तुरंत पहुंचता है, पुलिस प्रशासन से पहले वो पहुंचता है, कोई गरीब का कोई भी शिकायत हो उसके पास आता है तो जल्दी सुनता है, अपना भाई बेटा सोच के जाता है उसके उसके काम करने के लिए, बीच हमेशा वो रहते हैं। क्या कहना चाहिए? पप्पू यादव गरीबों का मसीहा सभी जान रहे हैं। और एक जो बीजेपी पार्टी से सुना जा रहा है कि 400 पार करेंगे, 400 पार तो RDX किए थे, पर RDX पार किया गया, 400 पार क्या करेंगे और सेवा क्या देंगे वो? मोदी जी का कहना है कि अब की बार 400 पार। और पूर्णिया में आपके ये निर्दलीय प्रत्याशी हैं, दूसरे नेताओं के लिए, बड़े दल के नेता आ रहे हैं प्रचार के लिए, लेकिन ये अपने छवि और अपनी शख्सियत पर चुनाव लड़ रहे हैं, क्या कहना? पप्पू यादव तो पप्पू यादव है, वो पूर्णिया क्या, पूरे बिहार, पूरे हिंदुस्तान में किसी भी कोने में पप्पू यादव रहे तो वो पप्पू यादव है। पप्पू यादव कभी ये नहीं देखता है रात है, दिन है, सुबह है, शाम है, दिन के 2 बजे रात के अंधेरे में भी अगर कहीं किसी भी समस्याओं को इसके कान तक आया उसी टाइम ये चले आते हैं मदद के लिए। पप्पू यादव वो शख्सियत है जिनके नाम के लिए हर एक व्यक्ति पप्पू यादव आज बना हुआ है, हर व्यक्ति अपने आप को पप्पू यादव है, या न कि पब्लिक में, समाज में ये नहीं लग रहा है कि पप्पू यादव अलग थलग एक नेता है जो समाज से दूर रहेगा, नहीं, हर व्यक्ति अपने आप को पप्पू यादव समझ रहा है। इसलिए पप्पू यादव जिस परिस्थिति में, जिस जगह, जहां खड़ा रहेगा, वहां आवाम, पब्लिक, माँ, बहन,
बेटे भाई के रूप में वो सारे पब्लिक उसके साथ है और उसके साथ साथ चलेंगे। पब्लिक, हर पब्लिक में पप्पू यादव हैं, आप क्या कहना चाहेंगे, क्यों ऐसे लोग मान रहे हैं? पप्पू यादव एक अच्छे संबंध से भाई भाई है और गरीबों का बहुत हार्दिक बहुत ये करते हैं, जहाँ भी वो गरीबों पर बहुत ध्यान रखते हैं। पूर्णिया की बात कर लेते हैं, पूर्णिया में जो समस्याएं रही हैं, जो काम के अधूरे रहे हैं, विकास के काम, पप्पू यादव क्या वादा कर रहे हैं पूर्णिया की जनता से? आप लोगों के बीच क्या वादा मिला है, अगर जीतते हैं चुनाव पूर्णिया का क्या है सपना आगे का? पहले तो आपको धन्यवाद कि आप पूर्णिया में आए और हमारे पप्पू जी के अर्जुन भवन में आए। मैं पूर्णिया के लिए यही कहूँगा कि पप्पू यादव के साथ मैंने काम किया है, बाढ़ग्रस्त पूर्णिया पटना में उन्हें जितना सेवा दिया है, सारे नेता से लेके अधिकारी से लेके सब घर में भाग गए, लेकिन पप्पू यादव ने पटना में काम किया था। मैं भी पटना से हूँ। और दूसरा बात ये कि पूर्णिया में मैं प्रचार के लिए आया हूँ। दूसरा ये कि पप्पू यादव किसी का मोहताज नहीं है, वो खुद अपने खड़ा है और इतने गरीब लोग अमीर लोग जितने भी साथ हैं भाई बहन सब उनके साथ हैं। और कल हमारे डिप्टी मुख्यमंत्री कही तेजस्वी यादव आए थे, चिल्ला के जो बोल रहे थे वो उनको इतना बोलना नहीं चाहिए था, इसलिए लालू पप्पू यादव अलग चीज है। तेजस्वी यादव पप्पू यादव को कल कहा चुनावी सभा में बिना नाम लिए कि वो बीजेपी के एजेंट हैं, क्या कहना चाहेंगे इस पर, वो क्यों इस तरह की बात कर रहे हैं? हालांकि पप्पू यादव जी ने भी एक बयान दिया कि आरएसएस के लोग और बीजेपी के लोग भी मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। देखिए, तेजस्वी यादव खुद बीजेपी का एजेंट है, ठीक है, और ये जाति पाति का जो बात बताता है, ये जाति पाति कहीं नहीं है। पप्पू यादव सबका साथ है, ठीक है ना, हिंदू मुस्लिम सब सबके साथ में रहते हैं और जमीनी स्तरीय नेता है, ठीक है, हर 2400 घंटा उनका पब्लिक के बीच में रहे और सेवा करने के लिए तैयार रहते हैं। पूर्णिया की आम जनता क्या चाहती है पप्पू यादव से, अगर वो जीतते हैं तो पूर्णिया में क्या होना ज्यादा जरूरी है? स्वास्थ्य सुधारेंगे, शिक्षा की सुधार होगा, एयरपोर्ट और भ्रष्टाचार जो प्रखंड में जो लगा हुआ है, जो भ्रष्टाचार व्याप्त है, इंदिरा आवास हो, वृद्धा पेंशन हो, राशन कार्ड हो, ये सब को हमारे जो भी काम है। विकास की तो बात एक तरफ है, ये निर्दलीय प्रत्याशी है ना, महागठबंधन में है ना एनडीए में है, किस तरह से विकास कर पाएंगे आने वाले समय? पप्पू यादव एक नाम ही काफी है उसके लिए, वो अपने विकास को अपने स्तर से ही करेंगे और युवा के लिए काफी वो सहयोगपूर्ण होंगे, क्योंकि वो रहे हॉस्पिटल या एयरपोर्ट की बात रहे, पप्पू यादव आगे खड़े रहेंगे और पूर्णिया के लिए वो बेहतर भरोसेमंद सबके लिए भरोसा। जी जी, क्या कह रहे थे? जब वो किसी भी पार्टी में नहीं थे, निर्दलीय थे, तो पूरे बिहार में बिजली नहीं मिलता था, लेकिन हमारे माननीय पूर्व सांसद पप्पू यादव जी ने पूर्णिया में 18 घंटा नेपाल से बिजली ला के व्यवस्था करवाए थे। मतलब कि ये है, क्या कहना चाहेंगे, आप पूर्णिया के निवासी हैं, पप्पू यादव का आप समर्थन कर रहे हैं, उनके क्या मुख्य क्या कारण है? देखिए, मुख्य कारण ये है, हम अकेले समर्थन नहीं कर रहे हैं, ये पूर्णिया समर्थन कर रहे हैं। अच्छा, हाँ, बोलिए। ये पूर्णिया के वासी समर्थन कर रहे हैं, हाँ, लेकिन हमारा कहने का मतलब है, ये पप्पू यादव वो शख्स है कि इनको कितनों एड़ी चोटी लगा ले, टिकट में एड़ी चोटी लगा लिया, हर चीज लगा लिया, लेकिन जनता पूर्णिया का बता दिया कि पप्पू यादव वो शख्स है कि जनता उसको दिल से नहीं निकाल सकता है। वो अब पूर्णिया में सबसे नंबर वन पर अभी पप्पू यादव हैं, और किसी किसी गांव में पप्पू यादव एक ऐसा शख्स है कि इनका किसी पार्टी का कोई मोहताज नहीं है, ना कोई पहचान है, पप्पू यादव खुद एक पहचान है, खुद एक पार्टी है, और वह जहां खड़ा हो जाते हैं वहां सैलाब उमड़ जाती है। देखिए, पप्पू यादव एक नजीर पेश किए हैं इस देश में। आपको याद होगा, अभी ये 18वीं लोकसभा का चुनाव चल रहा है, 16वीं लोकसभा चुनाव में जब वो चुनाव मधेपुरा लोकसभा से जीत कर गए थे, तो देश का सर्वश्रेष्ठ सांसद का पुरस्कार पाए, एक एनडीटीवी के द्वारा कार्यक्रम चलाया गया था 18वीं लोकसभा के पहले, घंटी बजाओ कार्यक्रम, जिसमें दिखाया गया था कौन सांसद क्या कर रहा है काम। और जब पप्पू यादव के आवास पर गया तो देखा 5000 लोग उनके आवास पर रह करके, जो दिल्ली एम्स में इलाज करवा रहा था, उनको भोजन मिल रहा था,
पूरे बिहार के लोग जानते हैं पप्पू यादव नेता नहीं, वो सेवक है और हमेशा सेवा के बदौलत आज जनता के दिलों में दिमाग में बैठ गया है। लोग नेता के पीछे नहीं जा रहे हैं, शख्सियत के पीछे जा रहे हैं, एक सच्चा सेवक बेटा के पीछे जा रहे हैं, नेता के पीछे नहीं जा रहे हैं। तो पूर्णिया में जैसा कि आप देख रहे हैं ये पप्पू यादव जी के समर्थक हैं जो अपनी अपनी तरीके से बतला रहे हैं कि आखिर क्यों पूर्णिया की जनता पप्पू यादव को चाहती है। हालांकि धुआंधार प्रचार जारी है और चुनावी इस अभियान में आवाज 24 न्यूज हर प्रत्याशी के समर्थकों की जो है बात आपके सामने रखेगा, क्यों अपने अपने प्रत्याशियों को लोग चाह रहे हैं। हालांकि 26 तारीख को जब मतदान हो जाएगा तभी ये पता चल जाएगा कि असली में पूर्णिया की जनता किस प्रत्याशी को अपना मोहर लगाती है पूर्णिया के सांसद के लिए। आप बने रहे आवाज 24 न्यूज पर। पूर्णिया के अर्जुन भवन से मैं ओम प्रकाश मिश्रा, नमस्कार। भारत